भाई बिल्कुल तरस नहीं खा रहा है, भाई ने पूरा जोर लगाया हुआ। नो मर्सी। हे व्हाट्स अप YouTube फैमिली, आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस आज बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, एंड बेसिकली आज का जो ब्लॉग होने वाला है ये कोई राइड के रिगार्डिंग नहीं है, कोई बाइक राइड नहीं है आज, नहीं है क्योंकि सैटरडे भी नहीं है आज। सो आज इस ब्लॉग में क्या है, तो इस ब्लॉग में बेसिकली ये है कि हम जो आज करने वाले हैं, मतलब मैं आज एक्चुअली टैटू बनवाने वाला हूँ। टैटू, यस बिल्कुल सही सुना आपने, टैटू आज मैं बनवाऊँगा अपने हाथ पे, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले ली है। सो आज अभी मतलब आधे एक घंटे में यहाँ से मैं निकलूँगा, एंड आफ्टर दैट स्टूडियो पे हम जाएंगे, वहाँ पे हम टैटू जो है वो अपना टैटू यहाँ पे आएगा। सो गाइस अभी पहुँच गया हूँ 35C में, यहाँ पे टैटू बनाने के लिए जैसे मैं आया हूँ। सो आई विल शो यू जहाँ से मैं टैटू बनाऊँगा। हेलो जी, रेडी हो फिर आज अपने टैटू ले? बिल्कुल बिल्कुल, नर्वस भी हूँ, रेडी भी हूँ, देखते हैं क्या बनता है। डिजाइन तो हो गया सी कल तैयार। हाँ डिजाइन हमने रेडी कर लिया टैटू। यस आज टैटू बनाएंगे, बट पता नहीं अभी, ये नहीं पता कि पेन कितनी, अभी फर्स्ट टाइम टैटू बना रहा हूँ, सो कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है, पेन की चिंता ना करो, बस टैटू पे कंसंट्रेट करो। यस टैटू बनेगा, टैटू बनेगा और बनेगा भी आज। बिल्कुल, ये शुरू करते हैं पूरे 25 मिनट के बाद। 25 मिनट बाद पूरे 25। ओके सो गाइस बने रहिए, 25 मिनट बाद टैटू बनना स्टार्ट हो जाएगा, एंड आफ्टर सम टाइम उसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। सो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा बिकॉज जिन्होंने टैटू बनाना है वो भी आए नहीं, पहले पहुंच गया हूँ। सो वेट करना है तो कर लेते हैं। कांट वेट नाउ, वेट नहीं हो पा रहा यार, कब कब टैटू बनेगा, वो वेरी मच एक्साइटेड यार, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, एक्साइटमेंट तो है ही है, नर्वस भी हूँ, देखते हैं। कमेंट बिलो जिसने ऑलरेडी टैटू बनाया हुआ है, बताओ मुझे कि जब आपने फर्स्ट टाइम टैटू बनाया तो आपको क्या फील हुआ था, मतलब किस टाइप का आपका एक्सपीरियंस था, आपके दिमाग में क्या थॉट्स थे, बिकॉज यू नो टैटू इज समथिंग लाइक परमानेंट, जो कि आप कुछ परमानेंट अपने, बेसिकली टेम्प्ररी भी होते हैं बट जो मैं ऑप्ट कर रहा हूँ वो परमानेंट है। सो ऑब्वियसली आपकी लाइफ के साथ रहेगा ये टैटू हमेशा, एंड जो भी लाइक मैंने भी चूज़ करा है तो मैंने कुछ सोच समझ के ही चूज़ करा हुआ है, तो आपके लिए भी सेम चीज़ है अगर आप टैटू बना रहे हो। सो बेटर कि आप पहले देखो कि आप टैटू में बना के रहे हो वो आपसे कैसे रिलेट करता है, बिकॉज टैटू कुछ ऐसा ना बनाओ कि बाद में आपको ऐसा फील हो कि यार मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझे नहीं चाहिए, तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं बाद में, आपकी स्किन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक अगर आप टैटू हटवाते हो तो। जब आप टैटू बना रहे हो तो कुछ ऐसा बनाओ जो आपसे आपसे रिलेट करता हो, एंड ऑब्वियसली वो परमानेंट ही रहे आपके साथ, एंड कल को आपको ऐसा फील ना हो यार कि ये क्या बना लिया, एंड वो फ्रस्ट्रेटिंग थिंग नहीं होनी चाहिए। किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, लगता है कुछ ऊपर काम चल रहा है, ड्रिलिंग 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 मशीन चल रही है। सो फाइनली वेट इज़ ओवर, डिज़ाइनर साहब आ गए हैं हमारे, टैटू बनेगा आज, बन के रहेगा आज, तो फाइनल है। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाओ जरा बात, ये बन गई इस बार। सो पहले से डेमो देख लो यार, सारी डेट सारी कवर करेंगे फिर।
ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, उतना डर रहा तो उतना पेनफुल तो नहीं है बट स्टिल है, बाकी डिपेंड करता है। सो द 10% इज कम्प्लीटेड आई गेस, बाकी भी बहुत पेंडिंग है, टाइम लगेगा। सो ब्रेक गॉट ओवर, लेट्स स्टार्ट अगेन। सो हाफ इज डन एंड अभी हाफ बाकी है, कितना टाइम लग जाएगा और? अभी लग जाएगा 1 आवर। 1 आवर, ओके। सो 1 आवर और लग सकता है अभी, लेट्स कंटिन्यू। टैटू बन के रेडी है मैं, थैंक्स टू भाई साहब इन्होंने टैटू कंप्लीट कराया और बहुत ही अच्छा। हल्की सी स्वेलिंग है इसमें, स्वेलिंग उतरेगी फिर प्रॉपर दिखेगा ये, अभी भी ऐसा दिख रहा है। 3 घंटे से इस पर सुइयाँ चल रही थी तो जिसकी वजह से ये सुन्न हो चुका है। अब सुइयाँ जितनी देर चलती रहे, खून निकलता रहे, फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सुन्न हो चुका है सारा हिसाब। सो गाइस, काली हाथ गए थे, अभी अपना हाथ पूरा भरवा के आए हैं, मतलब टैटू भी पूरा हो चुका है एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा पेन फील हुआ था बट आफ्टर दैट जस्ट नॉर्मल, आपको पता है ना जब कुछ बारी बारी कुछ स्ट्राइक कर रही है, जब वो नीडल स्ट्राइक कर रही है तो हाथ सुन हो जाता है। पोस्ट रिजल्ट कैसे दिखते हैं वो बाद में बताऊँगा मैं आपको कि आप मुझे जैसे अभी रात में सोने के बाद पेन होती कि नहीं होती है। सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस लेटर, बट अभी के लिए यार सही लग रहा है मुझे, मतलब काफ़ी टाइम से मेरी ये दिल से इच्छा थी कि मैं कुछ अपनी बॉडी पेंट करवाऊं, बट क्या करवाना ये सोचने में टाइम लग गया और फाइनली चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी हैं। सो मैं आपको अब डिटेल में बताता हूँ कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। सो हियर इज द टैटू। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये जो रोमानियन न्यूमेरिक सिस्टम है इसमें मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है एंड आफ्टर दैट ये मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र लॉर्ड शिवा एंड आफ्टर दैट ये है ट्रैवलिंग का साइन, यू नो ट्रैवलिंग वंडरलस्ट। सो बेसिकली ये तीनों चीज़ों को मैंने रिलेट करा हुआ बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मेरा वर्थ एंड सेकंड जिस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ, लाइक जो भी आप जिस चीज़ में बिलीव करते हो एंड थर्ड थिंग जो मेरा पैशन है, लाइक जो चीज़ें मुझे पसंद हैं। तो ये तीनों मैंने चीज़ें मिक्सअप करी एंड आफ्टर दैट मैंने ये डिज़ाइन चूज़ करा मिला के। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा एंड ऑफकोर्स ये टैटू भी कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर बताना। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड एज मच एज यू कैन एंड सपोर्ट मी, ओके, सपोर्ट आर्जियन प्लान नोमैड। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। तो हो गया ना कंप्लीट भाजी? बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बनया। थैंक यू भाजी, तो डाइकर आ जाना, तू सारे दे टैटू बनांदे हो, तोड़ा टैटू कित्थे आ? मिल गए दस्सो, अपा रोज कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करी दी है पर फाइनल बन नहीं पांदा, ते मैं इस करके एक बहुत ही बड़ा टैटू बनाया, दुनिया का बिगेस्ट टैटू। देखो जी, देखो ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਟੈਟੂ, ਯਹੀ ਸ਼ੂਨ ਹੈ ਯਹੀ ਇਕਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸਕੇ ਭੀਤਰ ਪਸ਼ਾ ਸਿਵਾ ਹੈ। ਜੈ ਹੋ, ਸ਼ੀ ਸ਼ੀ।